यदि एक ही साथ दो दो महिला आपसे शादी करने की इच्छा जाहिर करे तो आप क्या कीजिएगा ये हम बताइए। ना दोनों से शादी ना कर लेंगे। हाँ दोनों से कर लीजिएगा। माँ की क्यों इच्छा से साधु संत समाज लज्जित नहीं होगा? नहीं, वो साधु संत समाज लज्जित क्यों क्यों होगा, क्योंकि ना पुराने त्रेता मतलब सावन जी युग। के बारे में जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है पूरा रिसर्च कर चुके हैं आप? हाँ यानी उसकी भी उम्र 45 वर्ष है, हमारी भी उम्र 45 वर्ष क्या है, आवश्यकता पड़ी कि एक संत को शादी करने की जरूरत आ पड़ी? क्योंकि हमने राखी सावंत के बारे में पढ़ा कि उसने यानी एक संत से शादी करने की इच्छा जाहिर जाहिर करी थी शुरू में, तो अब योग गुरु बाबा रामदेव को उसने शादी का ऑफर दिया। हम तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के शिष्य हैं। जी, तो आप बता रहे थे राखी सावंत जी के बारे में, तो राखी सावंत जी के बारे में आपकी क्या राय है थोड़ा तो कैमरे के सामने बताइए आप। हम यह कहना चाहते हैं कि राखी सावंत एक साधु से शादी करना चाहती थी, या जी उसने योग गुरु बाबा रामदेव जी को शादी का ऑफर दिया था, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव जी ने उसका शादी का ऑफर ठुकरा दिया था। तो इस अब पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि एक साधु ने उसको शादी का ऑफर स्वीकार नहीं किया और उसका ऑफर ठुकरा दिया। जी, हम ना दूसरे साधु हैं जो उससे शादी करना चाहते हैं। मतलब आप राखी सावंत जी से शादी करना चाहते हैं? वो तो पहले से ही शादीशुदा है। हम यह कहना चाहते हैं कि उसने सच्चा प्यार पाने के लिए यानी एक हिंदू से शादी किया, उससे सच्चा प्यार नहीं मिला, तो एक मुस्लिम से शादी किया, उससे भी उसको सच्चा प्यार नहीं मिला, दोनों ने उसको प्यार में धोखा दिया, इसलिए दोनों से उसका तलाक हो गया। यानी हिंदू दोनों से भी तलाक नहीं हुआ, एक से हुआ, दोनों से हो चुका है। दोनों से हो चुका। हाँ, चलिए। यानी हिंदू से भी तलाक हो गया, मुस्लिम से भी तलाक हो गया, अब वो तीसरा पति खोज रही है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि हिंदू ने उसको धोखा दिया, मुस्लिम ने धोखा दिया। अगर वो एक संत से शादी करेगी तो संत उसका पूरी जिंदगी साथ निभाएगा, संत उसको धोखा नहीं देगा। मतलब राखी सावंत जी के बारे में जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है पूरा रिसर्च कर चुके हैं आप? हाँ यानी उसकी भी उम्र 45 वर्ष है, हमारी भी उम्र 45 वर्ष है, यानी दोनों की उम्र समान है। और आप 45 वर्ष के हैं हाँ, और हम ये ना कहना चाहते हैं कि अगर वो राखी सावंत हमसे शादी करना चाहती है तो वो मुंबई से अपनी बारात लेकर के अयोध्या आए और हम तपस्वी छावनी अयोध्या में उसके साथ सात फेरे लेंगे। ये आप कह रहे थे कि बारात लेके वो आएगी, बारात लेकर तो लड़के आते हैं। नहीं, क्योंकि ना यानी जो हम अलग रिवाज बनाना चाहते हैं वो पहली शादी होगी जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री संत से शादी करने के लिए मुंबई से बारात लेकर के अच्छा अच्छा अयोध्या अच्छा आएगी, पूरा मीडिया में हाईलाइट होगी शादी कि बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत एक संत से शादी करने के लिए मुंबई से बारात लेकर के अयोध्या जा रही है। अच्छा महाराज जी, हम आपसे पूछेंगे, आप किस धर्म से हैं? हम हिंदू धर्म से हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म। तो क्या आवश्यकता पड़ी कि एक संत को शादी करने की जरूरत आ पड़ी? क्योंकि हमने राखी सावंत के बारे में पढ़ा कि उसने यानी एक संत से शादी करने की इच्छा जाहिर जाहिर करी थी शुरू में, तब तो योग गुरु बाबा रामदेव को उसने शादी का ऑफर दिया था, तो योग गुरु बाबा रामदेव ने शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसकी संत से शादी करने की इच्छा अधूरी रह गई। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उसको शादी का ऑफर न दे करके उसकी संत से शादी करने की इच्छा पूरी कर दें। चलिए, और ये एक बात और जानना चाह रहे हैं, क्या इस तरह की इच्छा से साधु संत समाज लज्जित नहीं होगा? नहीं, वो साधु संत समाज लज्जित क्यों क्यों होगा, क्योंकि ना पुराने त्रेता युग में भी संतों ने ऋषियों ने पत्नी रखी थी, गौतम ऋषि ने भी पत्नी रखी थी, और जो जिन्होंने राम जन को पैदा करने के लिए मखौड़ा धाम बस्ती मतलब में यज्ञ ना किया था, उन्होंने श्रृंगी ऋषि ने भी तो अपने लिए पत्नी मांगी थी, जब वो यानी भगवान राम को पैदा करने के लिए मखौड़ा धाम में यज्ञ करने वाले श्रृंगी ऋषि अपने लिए पत्नी मांग सकते हैं, तो हम पत्नी क्यों नहीं मांग सकते हैं, बता दो। आपका यह स्टेटमेंट राखी सावंत जी के पास जाएगा तो इसे साधु संत समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह क्योंकि ना यानी जब श्री राम भगवान को पैदा करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले श्रृंगी ऋषि ने अपने लिए पत्नी मांगी, तो
तो फिर ना वो ना चाहते तो दक्षिणा में कोई और चीज भी मांग सकते थे, उन्होंने पत्नी क्यों मांगी? ऐसी जानकारी तो हमें नहीं है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। यानी उन्होंने शांता से शादी करी थी, ऐसी जानकारी बंजारा न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये इनका बाबा जी का अपना रिसर्च अपना यानी पता कर लो कि जब यानी शांता थी वो यानी महाराजा दशरथ के भाई की पुत्री थी, तब उन्होंने यानी जब पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ तो श्रृंगी ऋषि ने दक्षिणा मांगी, तो दक्षिणा के रूप में उन्होंने बोला कि पत्नी चाहिए, तब ना दशरथ महाराजा जी को अपने भाई की पुत्री से श्रृंगी ऋषि की शादी करवानी पड़ेगी। अच्छा महाराज जी, आप अयोध्या में अभी हैं और इस वीडियो को कई लोग देखेंगे, राखी सावंत ना होकर कोई और महिला आपसे शादी करने की इच्छा जाहिर करे तो आप क्या कहिएगा? हम ये ना कहना चाहते हैं कि अगर राखी सावंत हमसे शादी नहीं करना चाहती तो जो भी कोई बॉलीवुड अभिनेत्री हमसे शादी करना चाहती है हमारे आश्रम अपना पत्र भेजे, हम उसको यानी कि बारात लाने का न्योता देंगे। अभी तक आप अविवाहित हैं? अविवाहित रहना पड़ गया क्योंकि अपने माँ बाप की सेवा में उलझे थे, माँ बाप बीमार थे, उनकी ना सेवा करी है, अपने माता पिता के कर्ज से यानी कि मुक्त हुए हैं, तब शादी की इच्छा जाहिर। हाँ, क्योंकि ना हम ना विशेष है ना, कई वो संतों अपने माता पिता को छोड़ करके साधु न बनते, हम तो अपने माता पिता की सेवा करने के बाद, उनके मरने के बाद, उनके कर्ज से मुक्त होने के बाद साधु बने। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और आपसे पूछते हैं, यदि एक ही साथ दो दो महिला आपसे शादी करने की इच्छा जाहिर करे तो आप क्या कीजिएगा, ये बताइए? हम ना दोनों से शादी ना कर लेंगे। दोनों से कर लीजिएगा? हाँ, क्योंकि ना यानी कि ऐसा हुआ पड़ा है, जब यानी कि राम जी के पिताजी दशरथ जी ने तीन ना शादी ना करी थी, तो हम दो शादी क्यों नहीं कर सकते? दो महिलाओं के साथ एक साथ बता दो, राजा दशरथ जी ने तो तीन ना पत्नियां रखी थी, तो हम भी ना यानी चाहे तो तीन रख सकते हैं। देख लीजिए, आज के संत समाज ऐसे बोल रहे हैं, आप इस पे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे बंजारा न्यूज और मैं जगत गुरु, क्या नाम है आपका? जगत गुरु परमहंस आचार्य के शिष्य श्री 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 1008 गंगू तेली महाराज।